भाई, आप ही और खावर भाई आए हैं, नीचे बुला रहे हैं आपको। अच्छा, तुम जाओ, मैं चल। बेटा, तुम लोग आ ही रहे थे तो खाना यहीं खा लेते। आंटी, इरादा तो था ही नहीं, अचानक से मूड हुआ, मैंने कहा चलो नादिया, अम्मी की दुआएं लेकर। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। वालेकुम। पता ही नहीं चला आपका। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान का दिमाग एक वक्त में 10 जगह पे फंसा हुआ हो ना, तो फिर आसपास की खबर नहीं रहती। कैसी हो तुम? कैसे हो? मैं ठीक। अच्छा है नादिया, तुमसे बढ़िया, लेकिन तुम सर पे हाथ रखते हो, इज्जत देते हो, अच्छी बात। लेकिन कभी कभी ना इसको बड़े होने की जिम्मेदारी निभाने दिया करो। क्या मतलब? अरे भाई, जान छिड़कती है तुम पे, हर वक्त शानी 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 करती रहती है। भाई, कभी इसकी मान के इसका मान भी रखा करो। भाई, हमारा शानी भी नादिया का बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर बात मानता है। क्यों नादिया? तो फिर इसकी पसंद की भाभी ला के दे ना। दरअसल ये जब से शांजे से मिले हैं ना, तो उसके अखलाक के दीवाने हो गए हैं। हाँ भाई, वो है ही इतनी अच्छी बच्ची, बहुत प्यारी है, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आंटी, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे साथ उसका नसीब अच्छा करे। सोचे, अगर वो इस घर की बहू बन जाए तो हम सबके नसीब खुल जाएंगे। नहीं ना दिया? एक सेकंड खा भाई, आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरी बात मेरी मामू की बेटी से पक्की हो चुकी है। नहीं, मालूम है मुझे, और ये भी मालूम है कि ये तब की बात है जब शांजे तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी। खावर भाई, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये मेरा जाती मामला है। आप प्लीज इससे अपने आप को दूरी रखिए तो बेहतर है। ठीक है भाई, गलती हो गई, तुम्हें अकल की बात कह दी। चलो नादिया। बेटा, अभी तो आए हो तुम बहन। नहीं, फिर आएंगे, आज तो गलती हो गई ना, फिर आएंगे, जब गलती नहीं करनी होगी ना, फिर आएंगे। चलो नादिया। पर रोक ही लेते उसे, नाराज होकर गया है वो। नहीं अम्मी, अच्छा क्या कि मैंने उनको नहीं रोका। अगर आज रोक लेता तो हमेशा मेरे मामलात में मुदाखलत करते। आज के बाद नहीं करेंगे।
अम्मी भाई ने नाश्ता कर लिया? कर लेगा। वैसे आप भी जल्दी नहीं चलेगी रात को? मैं उनके लिए आइसक्रीम लेके आया, वो चली गई। कोई इमरजेंसी थी क्या? खावर को कोई काम पड़ गया था। वैसे खावर भाई बड़े मूडी हैं अम्मी जी। बेटा तुम्हारे बहनोई हैं, जैसे भी हैं तुम उनकी इज्जत किया करो। आज बहन की तरफ चले जाना, खावर की नाराजगी दूर हो जाएगी। किस बात पर नाराज है वो भाई? तुम अपना नाश्ता करो। बता दें इसको वजह। वैसे भी तो आप लोगों ने हर जगह मेरा तमाशा लगाया हुआ है। तमाशा? हमने तुम्हारा तमाशा बनाया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? रहने दें मैं। आप ये बताइए कि आप मामी की तरफ कब जा रही हैं तारीख लेने के लिए? तारीख? मैं कोई तारीख लेने नहीं जाऊंगी, मुझसे ये उम्मीद न रखना। आप क्या चाहती हैं, मैं खुद जाऊं उनके पास? चले जाओ, अगर वो सजीला को तुम्हारे साथ रुखसत कर देती हैं तो ले आओ। अम्मी मैं उसको इज्जत से इस घर में लेके आना चाहता हूँ। मैं शानजे के साथ कोई जुल्म नहीं करना चाह रही। अच्छा, यानी आप मुझ पे कर सकती हैं, सजीला पे कर सकती हैं, नहीं करना तो आपने शानजे पे जुल्म नहीं करना। हद है अम्मी। खैर भाई आप भी तो बात चुप करो, बड़े बात कर रहे हैं ना। तुम नाश्ता करो। अच्छा एक बात बताइए, अगर शान से अपने मुंह से ये कह दे कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, फिर भी आप मामी के पास नहीं जाएंगी क्या? वो कह ही नहीं सकती, वो प्यार करती है तुमसे। और अगर वो कह दे तो? ठीक है तो चली जाऊंगी मैं। थैंक यू भाई, नाश्ता तो कर ले। नहीं चाह रहा।